करते टू द क्लास। नाउ देखो क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें बोला है कि अगर कैपिटल ए एंड कैपिटल जी आपको अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि ए एम आपको दे रखा है, सपोज करो कैपिटल ए एंड जी एम आपको दे रखा है कैपिटल जी, ये आपको दो चीज गिवन दी हुई। इसके बाद आप करें बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स एंड प्रूव दैट द नंबर्स आर, जो ये नंबर्स बनेंगे, जो ये नंबर्स बनेंगे उसे हमें निकालना है। वो आने कैसे चाहिए, नंबर्स होने चाहिए हमारे ए प्लस टू शो क्या करना है, वो जो नंबर है हमारे पास ए और बी, वो ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस जी ब्रैकेट ए माइनस जी बने आपके पास, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले एक मिनट मैं बात कर लूं, हमारे पास कि उसने बोला तो दो नंबर्स मान लो, लेट स्मॉल ए एंड बी आर टू नंबर्स जो हमने, जिनका हम ए अर्थमेटिक मीन निकाल लें और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें। वो दो नंबर क्या है हमारे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन ए दे रखा है, दैट मीन्स आपको दे रखा है ए प्लस बी बाय टू इक्वल टू कैपिटल ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आपको दे रखा है जी, ठीक है ना, ये चीजें आपको दोनों दी हुई है, ठीक है। इससे क्या मिलता है आपको, यहां से आपको मिलेगा कि ए प्लस बी जो है वो आपका बनेगा टू कैपिटल ए, ठीक, और जो आपका जी बनेगा वो बनेगा ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ए एंड बी एज रूट्स क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, टू कैपिटल ए है, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू कैपिटल ए एक्स, और ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, जी स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज बनेंगी वो ए और बी होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो वो एक्स को कैसे निकालते हो आप, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको, तो माइनस बी यानी कि टू ए आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर ए सी मतलब फोर जी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका टू, याद है ना फॉर्मूला। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, तो 10th क्लास में भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा होगा आपने कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए क्या होते हैं, सोल्यूशन होता है, फैक्टर होते हैं उसके, सोल्यूशन आ जाती है x की वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमारा ये वैल्यू बनेगा। अब इसमें क्या है कि आपका जो एक्स है यानी कि ए एंड बी है, यहाँ एक्स की क्या वैल्यू बनेगी, ए और बी, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो हमारे दो वैल्यूज हैं वो ए और बी ही है, यानी कि एक्स हमारा ए और बी में से यही हो सकता है और कोई कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ टू ए प्लस माइनस, अब इस यहाँ इसको ऐसे लिख लो आप, फोर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक। फिर से आपकी ए एंड बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई, इसमें इसमें आप क्या करने वाले हो, देखो फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, फिर पूरा टू कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को लिख लो, ए माइनस जी और ए प्लस जी, ठीक है ना, ए माइनस जी और ए प्लस जी को लिख लो, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को लिखा जाएगा ए माइनस जी ए प्लस बी। फोर का क्या करा हमने, स्क्वायर रूट बाहर आया तो टू बना,
टू न्यूमरेटर में से कॉमन होकर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो उसने बोला था कि जो आपके जो दो नंबर्स होंगे वो इस टाइप के होने चाहिए, तो हमारा ये हैंस प्रूव्ड हो गया या हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब बताइए भाई, इसका किस इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे को ना समझ में आया हो या क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ बेटा। ठीक है, और किसी का डाउट? खुशबू का तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। नो, विनय यादव को भी डाउट नहीं है। विनय यादव तुम सुधर जाओ भाई। हैं डबल्स एवरी आवर, हर घंटे में क्या हो रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मान लो 30 हमारे पास पहले से ही थे, तो हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड nth आर। तो बहुत सिंपल सा है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें 30 है, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो डबल हो रहा है, यानी कि आर की वैल्यू 2 है। पूछा है कि आपके सेकेंड आर में कितना होगा, एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड nth आर में आपके पास कितना बैक्टीरिया आपके पास होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी कहानी है इसमें कि फर्स्ट आर में आपको पता ही आपके पास कितने, फर्स्ट आर में आपके पास भाई कितने हो जाएंगे, फर्स्ट आर में आपके पास हो जाएंगे 30। सेकेंड आर में कितने हो जाएंगे भाई, सेकेंड आर में आप इसका 2x कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 60। थर्ड आर में आपके पास कितने हो जाएंगे, थर्ड आर में हो जाएंगे आपके पास 90, और फोर्थ सॉरी 120 हो जाएंगे, सॉरी 60 का डबल हो जाएगा। और फिर फोर्थ आर में कितने हो जाएंगे आपके पास, फोर्थ आर में आपके पास हो जाएंगे इस 120 का भी डबल, यानी कि 240। अब आपको ए एन पूछा था उसने कि nth वाला बताइए, तो ए आर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है उसका, nth आर में कितने बचेंगे, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 30 है, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है और एन माइनस वन ये हमारा nth आर में बचेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप सो समझ में आ गया होगा सभी को। एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ, कंप्लीटली वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.3 एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 9.4। एंड बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4, इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज थ्री फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला हमारा होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको कैसे करना है, यानी कि सम अप टू एन करना है, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन एंड इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ये आपका फॉर्मूला बना। सेकेंड आप इसके स्क्वायर्स का सम करेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा आपका, सॉरी यहां गलत हो गया, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाय टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ये यहां पर आएगा। और अगर हमें सम ऑफ क्यूब्स नेचुरल नंबर्स करना है तो यहां हमारा बनेगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बिफोर वी डू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। दीज थ्री फॉर्मूलाज वी मस्ट बी रिमेम्बर, हमें ये याद रखने हैं और हर बार क्वेश्चन में ये आपके यूज होंगे। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, 9.4 क्या है आपसे, 9.4 में एक्सरसाइज 9.4 में आपसे इनफाइनाइट सीरीज का सम निकलवाएगा, ठीक। इनफाइनाइट सीरीज का क्या होगा, सम निकलवाया जाएगा कि एक इनफाइनाइट सीरीज आपको दी जाएगी और उसमें एन टर्म्स तक का क्या सम बनेगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं हम। यहां देखिए, अब क्वेश्चन है जैसे फाइंड द सम, क्वेश्चन हम ऐसे बना लेते हैं, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो है आपके पास वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री
ठीक है, प्लस 3 इंटू 4, ऐसे करते करते आपके पास ये सीरीज चले जा रही है, ठीक है ना। आपके पास क्या ये सीरीज जा रही है, तो सबसे पहले आप इसका एन टर्म, जब आपको सम निकालना हो एन टर्म्स की सीरीज का, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें आपको एन टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एन टर्म देखेंगे क्या बनेगा। इसका एन टर्म या टी एन बोल रहे हो, तो अगर हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 1 था तो यहाँ 2, मतलब उससे एक ज्यादा, यहाँ 2 था तो उससे 3 ज्यादा सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 3 है तो फोर्थ एक ज्यादा है उसमें। तो एन टर्म जब फाइंड करेंगे तो एक एन होगा और एक उससे ज्यादा होगा एन प्लस वन, यही बनेगा एन इंटू एन प्लस वन। जो हमारा एन टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, पैटर्न फॉलो करना पड़ता है इसमें, कि कैसे पैटर्न, किस पैटर्न से हमने अपनी जो टर्म्स लिखी हुई हैं उस पैटर्न के हिसाब से हमारा एनेट टर्म क्या बनेगा, ठीक है ना। उस ऑब्जर्वेशन से काम करना है। और यहाँ पर जैसे देखो आप, एनेट टर्म आपका आ रहा है एन इन टू एन प्लस वन, तो यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन। अब आपको इसका सम चाहिए, ठीक है ना। सम चाहने के लिए क्या करना है, हमें इसका सिग्मा लगाना है, सिग्मा मतलब होता है सम टू एन टर्म्स, तो यहाँ भी सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन। अब आओ फॉर्मूले के ऊपर जो मैंने आपको याद करने के लिए बोले हैं। देखो सिग्मा एन स्क्वायर, इस पहले वाले फॉर्मूले को हम बोलते हैं सिग्मा एन और दूसरे वाले फॉर्मूले को बोलते हैं हम सिग्मा एन स्क्वायर और तीसरे वाले फॉर्मूले को बोलते हैं हम सिग्मा एन क्यूब, ठीक है ना। थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एन क्यूब। तो यहां पर जैसे हमें सिग्मा एन स्क्वायर लगाना है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर का, जो कि होगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। फिर हमारे पास आएगा सिग्मा एन का फॉर्मूला, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखो यहां एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय फोर, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा भाई इसका, 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम, और एलसीएम भी ना लो, ऐसा करो एलसीएम मत लो, इसमें से एन इंटू एन प्लस वन बाय टू को कॉमन निकाल लो, यहां क्या बचेगा, टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस वन अपॉन थ्री, और यहाँ बचेगा आपका एन इंटू एन प्लस वन बाय, ये आपका यहाँ बचेगा। और अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर लो, तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, यहाँ सिक्स आएगा आपका, यहाँ बन जाएगा फोर एन प्लस टू, और यहाँ बन जाएगा आपका 3n² + 3n, यहाँ आपका ये बन जाएगा। तो इसको समराइज करके लिख लो कि भाई एन इंटू एन प्लस वन बाय टू 3n² + 7n + 2 बाय 6, आपका ये क्या बन गया यहाँ पर, इसको फैक्टराइज करके भी आगे लिख सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालने हैं। तो मैंने क्या तरीके बताए आपको, सबसे पहले उस सीरीज में दी हुई एन टर्म क्या आएगी वो आपको ढूंढना है, उसको लिए पैटर्न फॉलो करना है। उस एनिट टर्म लाने के बाद आपको क्या करना है, एनिट टर्म लाने के बाद उसको समेशन लगाना है, उसको समेशन मतलब हमें क्या करना है, सम करना है फर्स्ट से लेकर एंड टर्म तक का। और फिर मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं कि सिग्मा एन स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सिग्मा एन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और सिग्मा एन क्यूब है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है, और टुमारो वी विल डू नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन।